हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोको टेक्निकल में। ये बोरवेल है, 10 फुट तो ऊपर से बोरवेल है, बाकी नीचे ये है लमसम में 120 फुट टोटल बोरवेल है। तो इसमें बाहर से पानी डालने से इसके अंदर कोई कचरा वचरा फंस गया है। अब इसमें पानी, ये देखो आपके सामने पानी दिखाई दे रहा है, ये इतना पानी इसमें भरा हुआ रहता है, ये पानी नीचे नहीं जा रहा है। तो आज अपने इसमें से पाइप निकालेंगे और जो भी कचरा निकलेगा वो उसको बाहर निकालेंगे। हो सकता है अपने को मोटर भी बाहर निकालनी पड़ सकती है, बाकी चांस ये अपने को एक दो पाइप निकालना पड़ेगा। तो वीडियो के साथ बने रहे। इसके अंदर 12.5 V6 की मोटर है और 7 इंच इस बोरवेल की पाइप है। तो अभी अपने अपना स्टैंड तो तैयार कर लिया है पूरा, और जो अंदर पानी था वो भी पानी, एक पाइप खोलने से पानी चला गया है। अब जो क्लम्प पे पाइप रुकी हुई है उस पाइप को उतारेंगे। धीरे धीरे पाइप अपना है तो ऊपर आ रहा है। टोटल खेच लो, केबल खेच लो। ये ऊपर अपना चैन स्टैंड लगा हुआ है। रात भी काफी हो गई है, तो इस मोटर को निकालेंगे। क्या माल निकलेगा इसके अंदर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 7 इंच बोरवेल है और V6 का मोटर इसके अंदर 12.5 फीट का। कितनी मिट्टी अंदर है देखो, पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। ये हालात हो गया, देखो कितना मिट्टी आ रहा है, कितना कागज है इसके अंदर। बोरवेल का पता ही नहीं चला जिसका, बोरवेल का मुंह कहाँ पर है, पाइप नहीं दिखाई दे रहा। ये मेंढक भी कूद रहे इसके अंदर, कितने लोग, सब माल निकल रहा है और भी इसके अंदर है। धीरे धीरे निकालेंगे इसको पूरा। वो देखो अंदर, इसके सामने देखो आपको, वो देखो अंदर कचरा पड़ा है, इसके सामने कचरा है इसके अंदर। अभी मोटर बाहर आ गया है, मोटर का ज्वाइंट भी आ गया है पास में। अब देखेंगे इसके अंदर क्या माल मिलेगा अपने को। धागे को काट देते हैं, देखो पूरा कचरा कचरा आ रहा है। मेंढक ये निकल के आ रहे हैं। ये देखो सब समाज के अंदर, ये देखो कंकड़ गिरी, पत्थर, ये देखो सब। थमा थमा, थोड़ा सा रोक लो, थोड़ा सा रोक लो। ये दोस्तों टॉपलैंड कंपनी का, और ये स्टेज है 6 स्टेज 12.5 HP। मोटर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिट्टी की वजह से पानी नहीं दे रहा था बाहर, मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। अब इसको दोबारा फिटिंग करेंगे बोरवेल के अंदर, तो अपना सेट सारा कंप्लीट है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल को टेक्निकल में। रात इस मोटर को निकाला था और मोटर एकदम सेफ है। अब इसका दोबारा लोरिंग करेंगे। थोड़ा तार तो कट हो गया था एक दो जगह से, क्योंकि बोरवेल के अंदर पूरा फंस गया था। कितनी मिट्टी है इसके अंदर देखो, कंक्रीट पत्थर सब कुछ सामान मिला था इसके अंदर। तो अब मोटर को इसी स्टैंड से अपने फिटिंग करेंगे, चैन स्टैंड से। तो वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो कैसा लगे आप लाइक और कमेंट करके बताएं हमें। हेलो दोस्तों, तो ये अपना केबल बांध दिया है मोटर के, मोटर अपना कंप्लीट सही है, चेक भी कर लिया है। अब लोरिंग करनी है इसकी। धर्मा जी धीरे धीरे इली चैन घुमाओ, नीचे आने दो इन्हें, ठीक है। 6 इंच बोरवेल है सर जी, 7 इंच बोरवेल है और 6 इंच पाइप है। टॉपलैंड का मोटर है अपना ये। मोटर लोरिंग करना स्टार्ट कर दिया अभी। टॉपलैंड 12.5 6 स्टेज, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, 12.5 6 स्टेज। बाकी कस्टमर से बात करेंगे।
अभी इसमें सात पाइप लगरिंग कर दी अपने, ये सात नंबर पाइप है। टोटल इसके अंदर है नौ पाइप है बोरवेल के अंदर, और 95 फुट बोरवेल है ये, और 5 फुट मोटर हो गया, साथ में पाइप अपना चालू है। अपना पूरा कंप्लीट फिटिंग हो गया, दो पाइप, अब इसको चला के देखेंगे। सेक्शन पाइप लगा रहे हैं इसके, ये स्टार्टर वेल पंप का 421 वोल्टेज है, अब इसको चला के भी देखेंगे। अभी ऑन कर दिया अपने, देखें कितना एम्पियर लेगा, क्या करेगा। एम्पियर तो ये कम लेगा, इसके ऊपर अपने 8 KVA का KVA लगा रखा है, इसलिए लमसम लेता है, 12, 13, 14 कई बार 15 भी ले लेता है, पर कितना ज़्यादा एम्पियर नहीं लेता है। वो सामने मीटर में चल रही वो है 10 HP V8 वरुणा का, वो 18 एम्पियर में चल रही है। स्टार्टिंग 20 एम्पियर लिए इसने 399 में, अठारह एम्पियर 19 एम्पियर। क्या हुआ है चक्की सर, थोड़ा सा ऊंचा पाइप है, ये लो पूरा रेत आ रहा है इसके अंदर, फुल रेत गया है, इसलिए रेत दे रहा है। बाकी पानी भी अच्छा है इसका, और भी पानी बढ़ाएगा, ये धीरे धीरे चलेगा, रेत निकलेगा तो पानी बढ़ने का चांस है। तो आपको वीडियो कैसा लगे आप वीडियो में लाइक और कमेंट करके बताएं। हाँ जी आप बताइए कैसा है पानी, सही है सही है। हाँ अंकल,